नमस्कार दोस्तों, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आरएस जंक्शन पर। आज की कक्षा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं आप सभी के साथ लेकर आया हूं, जो आप में से कई छात्रों के लिए और जो भविष्य में तैयारी करने वाले हैं उन छात्रों के लिए भी काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएँ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट निकला है और उसमें ये देखा गया है कि बहुत से ऐसे छात्र जो पूर्व में ही किसी न किसी पद पर स्थित हैं, उन्होंने अपनी रैंक सुधारने के लिए एग्ज़ाम दिया और उनमें से कई जो है यहाँ पर सेलेक्ट भी हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो है हर बार ये देखा जाता है कि ऐसे छात्र मेडिकल में चले जाते हैं और उसके बाद ये ज्वाइन नहीं करते, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में आरएएस भर्ती में पद खाली रहते हैं। इसी मुद्दे को दैनिक भास्कर अखबार द्वारा अपने 17 जुलाई के जो अंक है, मतलब आज का जो अंक है, उसमें उठाया गया है। तो उसी को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें लिखा है कि शिक्षक एलडीसी भर्ती नहीं बल्कि राजस्थान राज्य निवृत्त सेवाएं भर्ती जो है उसमें भी चयन के बावजूद कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते हैं। अब 2007 से 2016 तक की जो 6 भर्तियां हैं उसमें लगभग 809 चयनित अभ्यर्थी ज्वाइन करने नहीं पहुंचे। कुल भर्ती के जो पद थे उनमें से लगभग 17% को ये कवरअप करते हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जो जरूरतमंद छात्र होते हैं उनको भी पद नहीं मिल पाते हैं और ऐसी परिस्थिति में वे छात्र बेचारे दोबारा से उस संघर्ष के लिए उन्हें खुद को तैयार करना होता है, जो काफ़ी लंबा और कष्टदायी होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 में भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 200 से भी ज़्यादा पद खाली रहेंगे और ऐसे में सरकार को इन खाली पदों को अगली भर्ती में शामिल करने के बजाय इनकी प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए और इसीलिए अब अभ्यर्थी भर्तियों की विसंगति को दूर करने के लिए गठित कमेटी के सामने अपनी पीड़ा भी रखेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि 2007 में जो 715 पद आए थे उनमें 117 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 2008 में 380 में से 104 ने ज्वाइन नहीं किया, 2010 में 823 में से 143 ने ज्वाइन नहीं किया और 2012 में 1106 में से 140 छात्रों ने ज्वाइन नहीं किया था। बात अगर 2016 की करें तो मात्र 725 पद थे लेकिन उनमें से भी 140 अर्थात लगभग 20% से अधिक छात्रों ने जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं ली है। तो आप सोचिए कि किस तरह से ऐसे 20% बाकी अन्य जो पद हैं उन पर इनसे आगे वाले जो छात्र हैं उनको मौका मिल सकता है और इससे जो है लंबे समय तक बेरोजगारी का दंश झेल रहे जो छात्र हैं उनको लाभ भी मिल सकता है। तो आवश्यकता है, जो कि जैसे कि लगातार जो है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ 2007 में केवल ये एग्ज़ाम देने वाले 3 लाख छात्र थे लेकिन वर्तमान में 2018 में लगभग 4,97,000 छात्रों ने आरएएस एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया। संख्या लगातार बढ़ रही है और पदों पर नहीं ज्वाइन करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, इसलिए आवश्यकता है कि ऐसे पदों पर उन सभी छात्रों को जो है पहले ही सेवा का आवंटन कर दिया जाए मेडिकल से पहले ही, क्योंकि मेडिकल अगर हो जाता है और उसके बाद अगर सेवा को कोई नहीं लेता है तो फिर उस पद को खाली रख दिया जाता है। तो मेडिकल की प्रक्रिया चालू होने वाली है, इसलिए मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर से लेकर के और जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर इसे फैलाएं, क्योंकि ये आने वाले समय में आप सभी के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। इसे यूं न देखें कि हमारा इसमें क्या लेना देना है, लेना देना हम सभी का है और जो भी ज़रूरतमंद छात्र हैं जो कि कुछ नंबर की वजह से पिछली रैंकों पर रहे हैं, जैसे कि किसी की 600, 700, 800 रैंक आई है, उन छात्रों को यहाँ पर पोस्टिंग मिल सके, उनको पद मिल सके ताकि उनका भी जो नौकरी करने का सपना है वो पूरा हो सके। तो DOP के पास में इसके लिए अभ्यर्थना दी जाए, सारे स्टूडेंट्स मिलकर के ग्रुप बनाए, ग्रुप बना करके इसको लेकर के एक मीटिंग की जाए और मीटिंग करके और इसको आगे बढ़ाया जाए, यही मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगी। तो आप सभी इस मुद्दे पर जुड़े, एक ग्रुप बनाए, मुझे भी चाहे तो आप वहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी छात्र जो इस रैंकिंग में रहा है, अभी जो लगभग 550 से लेकर के 700-800 रैंकिंग में रहा है, वे सारे छात्र मिलकर के यहाँ पर इसके लिए प्रयास कर सकते हैं ताकि उन्हें जो है यहाँ पर पद प्राप्त हो सके। चलिए, तो मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द आप इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को प्लेटफॉर्म से यहाँ से लगातार सहयोग प्रदान करता रहूँगा, यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आरएएस जंक्शन हमेशा आपके लिए इसमें साथ रहेगा। थैंक यू।